हाय दोस्तों, नमस्ते सभी माताओं बहनों और सभी मेरे देशवासियों। ये वीडियो मैं स्पेशली सभी प्रदेश और देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बना रहा हूँ। एक्चुअल में आई वॉन्ट टू गिव अ वन एडवाइस दैट इज़ रिलेटेड टू दिस कोविड-19 कोरोना वायरस है। एक्चुअली अब जैसे कि ये हमारा लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ चुका है, तो हम एक बार फिर से घरों के अंदर बंद हो चुके हैं। तो अब ये है कि अगर हम इस तरह ही लॉकडाउन को बढ़ाते रहेंगे तो ये क्या होगा कि इससे ये दिस इज़ गुड, वेरी गुड, बट इससे क्या होगा कि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या है कि जितने भी हम पब्लिक हैं, वी आर टेकिंग योर एडवाइस, आवर गवर्नमेंट एडवाइस, वी आर टेकिंग सीरियसली आवर गवर्नमेंट एडवाइस एंड आल्सो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एडवाइस विच WHO प्रोवाइडेड अस। सो वी आर टेकिंग अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी आर डूइंग दिस, या सो अब स्पेशली जितने भी स्टेट लेवल की मिनिस्ट्री है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको एक जल्दी से इस पे प्लान करना होगा कि ताकि ये ख़त्म हो जाए, पूरा जड़ से ख़त्म हो जाए और ये जो हमारा जो इस तरह का लॉकडाउन है वो आगे ना बढ़े इससे, क्योंकि इससे आगे अगर बढ़ गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, सबके लिए दिक्कत हो जाएगी, कंट्री के लिए दिक्कत हो जाएगी, भुखमरी आ जाएगी। तो उसमें हम सबको क्या करना है, स्पेशली आपको क्या करना है, दिस इज फॉर मीन्स ऑल द पार्टीज एंड ऑल द CM एंड जो भी उनके अंडर काम करते हैं उनके लिए है। तो आपको एक कोविड रैपिड एक्शन फोर्स बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें आपको करना क्या है कि जैसे कि आप क्या होते हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो वो क्या करती है कि एक मतलब वोटिंग के 1 या 2 दिन पहले या 3-4 दिन पहले मतलब वोटर लिस्ट होती है जो उसको लेके हर किसी के घर में पहुंच जाती है, उनके मतलब उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं, और वो एक पर्ची होती है वो हर इंडिविजुअल्स को देते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी पर्ची है, आप इससे आप वोट दे सकते हो, आप जाओ वहां पे और अपना वोट दो और मतलब अपनी पार्टी का प्रचार प्रचार वट एवर यू डू एंड मतलब ऑल पार्टी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस। सो सेम यू नीड टू डू मीन्स सेम प्रैक्टिस विद दिस कोविड रैपिड एक्शन फोर्स। तो आपको क्या करना है कि वही वाली जो वोटर लिस्ट है उसको लेके और एक डिटेल फॉर्म बना के आपको हर किसी के घर में जाना है। उसमें क्या होगा, आपके टीम एक टीम बनानी पड़ेगी। टीम में कौन कौन होंगे कि जैसे कोई पुलिस का कर्मचारी हो गया, कोई एक दो मेडिकल स्टाफ हो गया और कोई मीन्स इंडिविजुअल पर्सन मतलब जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हो वो हो, और इस तरह से आपके 4-5 लोगों की टीम बना के आपको हर किसी के घर में जाना है। वो आप जिस तरह से आप इलेक्शन के दौरान जाते हो, आप एरिया वाइज बांट देते हो, इसी तरह इस सूबे भी जाना है, और उसके बाद आपको हर किसी के घर में जाके उनसे पूछना है घर में कि उनका क्या मतलब क्या हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है। मेडिकल हिस्ट्री में स्पेशली आपको वही पूछना है जो कोविड से रिलेटेड है, मीन्स किसी को खांसी जुकाम तो नहीं है और बुखार तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो कब से आ रहा है। आप अपने साथ तो वो मीन्स टेम्परेचर को चेक करने वाली मशीन भी ले जा सकते हो, जिससे उसी समय आप उनका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हो, आप जो भी डिटेल है वो उसी समय आप फिल कर दो अपने फॉर्म में। और उसके बाद उसके साथ साथ आप एक और चीज भी ऐड कर सकते हो कि उसी फैमिली के बारे में ये भी पता लगा सकते हो कि उसी में कि आपको राशन मिला या नहीं मिला, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिल रहा, तो उस समय आपको फॉर्म में पूरी डिटेल मिल जाएगी कि राशन मिला या नहीं मिला, तो राशन के बारे में डिटेल दे देगा कि हमें मिला या नहीं मिला, खाना अगर कोई गरीब है जिनको खाने की जरूरत है उनको खाना पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो वहां पे भी अगर कोई मकान है और बिल्डिंग है वहां पे अगर कोई मकान मालिक है तो अपने किराएदारों को बुला के बोले
कि मेरे यहाँ पे ये किराएदार रहते, तो किराएदार आके अपनी सारी डिटेल वहीं पे दे दे, तो इससे क्या होगा, ईच एंड एवरी पीपल मेंबर है उनकी डिटेल पहुंच जाएगी, जिससे अभी जैसे हमारे पास अभी टेस्टिंग किट्स नहीं है इतनी कि हम सबके मतलब टेस्ट कर सके, पर लेकिन ये भी बहुत अच्छा होगा, ये भी उसी तरह से पूरा टेस्ट भी हो जाएगा। अगर किसी में ज्यादा लक्षण आ रहे इस तरह के तो उसी समय उसको हम मतलब आपके टीम में से कोई भी उसको रेफर कर सकता है कि हॉस्पिटल में, तो ये दिस विल बी मींस अ गुड प्लान, और ये आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको इसमें क्या करना है, और इसको मतलब एक साफ स्वतंत्र बनाने के लिए और निष्पक्ष बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सारी जितनी भी राजनीतिक पार्टी इस समय, आप प्लीज जो भी राजनीतिक पार्टी, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज ये मत देखना कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है, मतलब दूसरी वट एवर पार्टी, आप ये मत सोचो, क्योंकि ये एक महामारी है जो पूरे देश में नहीं, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरी धरती में छा रखी है। तो आपको आपको ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और आपको इकट्ठे होकर आप एक टीम बनाओ, एक एक मेंबर हर किसी पार्टी से, ताकि मतलब एक एक मेंबर, एक बीजेपी मतलब जो भी बड़ी बड़ी पार्टी है उनके मेंबर बना के उनकी एक टीम बनाओ, और उनके साथ मेडिकल स्टाफ और पुलिस वाले की बना के, और इंडिविजुअल भी है जो किसी पार्टी से मतलब जिनका कोई नाता नहीं है वो भी रहे, और वो इस तरह से हर किसी के यहाँ पे जाके घरों पे जाके सारी डिटेल ले, इससे सब कुछ पता चल जाएगा, इमिडिएटली पता चलेगा, और जल्दी जल्दी ये काम होगा। क्योंकि अगर आप इसी तरह से अगर ये नहीं हो पाया और फिर बाद में अगर कुछ लक्षण आए तो बाद में फिर ये मीन्स 3 तारीख के बाद भी ये बढ़ जाएगा, और मेरे को नहीं लगता अगर इसके बाद अगर कोई बढ़ेगा तो डेफिनेटली पब्लिक का सब्र खत्म हो जाएगा। आई नो हमारी देश के सभी लोग राष्ट्रभक्त है और ये वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो रोड़ों पे आ जाएंगे, और फिर भी बोलते हैं ना पापी पेट का सवाल, अगर पेट में ही कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसलिए मे भी लोग आ जाएं रोड़ों पे तो, और उस समय दिक्कत हो जाएगी, इससे पहले कि इसको आप इस तरह का कुछ करो ताकि मतलब सारी बीमारियां जो बंद जो बांध भी रखी है उनको भी खत्म कर सके। तो प्लीज प्लीज ये आप इस तरह का कोई एक्शन फोर्स प्लान करें एज सून एज पॉसिबल, एंड हूएवर इज वाचिंग दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो, आप शेयर करो इसको जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, अगर आप ट्विटर में हो तो इसको रिट्वीट करो और सब्सक्राइब करो, और प्लीज स्पेशली शेयर करके, ताकि और लोग जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको इसमें टैग करो ताकि उन तक पहुंच सके और गवर्नमेंट इसमें कुछ एक्शन ले सके। क्योंकि देखो बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, आप बंद कर दिया हमें कमरों के अंदर, उससे कुछ नहीं होगा, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पर लेकिन आप बैठा के कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से आप जब कोई काम करोगे तभी होगा। तो प्लीज इस पे गौर कीजिएगा, और प्लीज मेरे सभी मतलब देश के सभी मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट है इस पे प्लीज एक्शन लेने का, कि कृपा करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।